शिक्षण भी दिखलाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के समान होते हैं, ऐसे साक्षात गुरु को मेरा शत शत नमन। गुरु की महिमा हमारे पुराणों में ग्रंथों में भली भांति देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य वाल्मीकि ने अपना नाम अमर किया है, तो वही एकलव्य कर्ण और गुरु भक्त अरविंद ने भी अपना नाम एक आदर्श शिष्य के तौर पर सिद्ध किया है। अगर आज इस देश को महान नेता डॉक्टर एवं अगर वैज्ञानिक मिले हैं, तो वह शिक्षक की ही देन है। इसी संदर्भ में मैं चार वाक्य बोलना चाहूंगी। जिन्हें देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सारी दुनिया का प्रकाश और अंधेरे में आशा की किरण जो हमें जीवित रहने की ताकत देती है, वे हमारे शिक्षक हैं। निष्ठा नहीं है खून का आपसे मेरा, विष्ठा नहीं है खून का आपसे मेरा, फिर भी अंधेरी जिंदगी में प्रभात भी मेरा। हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस प्रतिभाशाली आत्माओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत में अनेक लोगों ने जन्म लिया, अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया, उसी में महान विचारक शिक्षाविद दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का ने साल बताया। ये गुरु ज्ञान की सागर है, इनसे ही जन्नत है, गुरु ही हम सबके पालनहारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं। हम सबका है ये वादा जो सीखा है, उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। गुरु ये संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है साग बताया। அஞ்சல் அஞ்சல் அஞ்சல்
நான் இங்க 14 இயர்ஸா படிக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜ் மேல நம்மளால தான் இருக்கேன். தேங்க்யூ.